इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख दिखाया। चुनाव आयोग के मुताबिक आयकर विभाग की दिल्ली की टीम ने सीधी कार्रवाई की और कार्रवाई शुरू होने के कई घंटे बाद उन्हें इसकी जानकारी मिली। रेड्स के बारे में मुझे कल सुबह 8 बजे नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया गया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने छापेमारी की कार्रवाई की रिपोर्ट मिलने में देरी पर भी नाराजगी जताई। मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर रिपोर्ट भेजेगा तो मैं उसको इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करूंगा। जिसके बाद आयकर विभाग की कार्रवाई पर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया। इलेक्शन कमीशन का निर्णय इस बात का जीता जागता सबूत है कि भाजपा 2019 का चुनाव डंडा तंत्र के बल पे जीतना चाहती है। चुनाव आयोग ने इस बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें चुनाव के वक्त सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल पर हिदायत दी गई और ये साफ कर दिया, चुनाव के दौरान की जाने वाली कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और आचार संहिता के दौरान एजेंसियों का इस्तेमाल निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव में धन के गलत इस्तेमाल की जानकारी आयोग को देने की हिदायत भी दी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पूर्वांचल से अपराध और बाहुबल खत्म हो गया है। पूर्वांचल जो एक समय बाहुबलियों और अपराधियों का गढ़ हुआ करता था, उस परिभाषा को बदला है। कई दिग्गज नेता इस इलाके से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले जीते हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे रेल राज्य मंत्री जो कि निवर्तमान रेल राज्य मंत्री है मनोज सिन्हा हो, चाहे यहाँ से दूसरे नेताओं की बात करें, अखिलेश यादव भी इसी इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं, निरहुआ को भी बीजेपी ने इस बार उतारा है, एक दांव खेला है। इस पूरे मसले पर बात करेंगे मनोज सिन्हा जो कि गाजीपुर से कैंडिडेट हैं उनसे। सर, कैसे परिभाषा बदली गाजीपुर को लेकर के या पूरे पूर्वांचल को लेकर के? लोगों के मन में एक अलग भाव था लेकिन अब ये परिभाषा बदल गई है, कैसे संभव हुआ? मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के संसद के भाषण सुने होंगे, उन्होंने अपने अधिकांश भाषणों में पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन और उपेक्षा की केवल चर्चा नहीं की बल्कि मुझे लगता है कि उसको दूर करने का प्रभावी उपाय करेंगे, और केवल करेंगे नहीं बल्कि 5 सालों में प्रभावी उपाय उन्होंने किया है। इस दिशा में गोरखपुर का एम्स, 23 वर्ष से बंद पड़ी हुई यूरिया का संयंत्र, गैस पाइपलाइन जो पूरी उत्तर प्रदेश को होकर के जा रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और उसका हॉस्पिटल है, सर सुंदरलाल चिकित्सालय, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाना, 2-2 कैंसर के इंस्टीट्यूट बनाना, 4 लेन 6 लेन 8 लेन की सड़क ईस्टर्न यूपी में बनाना, रेलवे में हर सेक्शन की डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, पैसेंजर एमिनिटीज का विस्तार, नई गाड़ियों का चलना, वाटरवेज में हल्दिया से लेकर बनारस तक शिप पर वेसल्स का भेजना, और उड़ान योजना में भी इस इलाके में भी गाजीपुर जैसी जगह में हवाई अड्डा शुरू करना, ये ऐसे काम पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं जो शायद 50-60 सालों में नहीं हुआ था। और इसके कारण अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 5 वर्ष में जो बदलाव हुआ है, इसको आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। अब विकास की कई योजनाओं को गिना रहे हैं लेकिन एक चर्चा ये भी होती है कि बीजेपी की तरफ से, खास करके नेतृत्व की तरफ से, नेहरू का नाम कई बार लिया जाता है। क्या वजह है इसके पीछे? आखिर नेहरू कहाँ आ जाते हैं? प्रियंका गांधी ने भी परसों कहा है कि जो बीजेपी के पास गिनाने को कुछ नहीं है, वो हमारे परिवार के पीछे लगे होते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनका देश को बनाने में योगदान है, लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनके कारण देश में कई चीजें ठीक नहीं हुई। तो राजनीतिक दल के नाते सही चीजों का मूल्यांकन करना, उसकी प्रशंसा करना और गलत नीतियों के बारे में अपनी राय देना, ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है, वही काम हम कर रहे हैं। अब ये सच है कि अगर देश ये मानता है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री वे होते तो शायद ये कश्मीर की समस्या न होती। जिस तरह से सारे राज्यों रियासतों का विलय सरदार पटेल ने किया तो लोगों के मन में स्वाभाविक संदेह पैदा होता है, और इस देश में वंशवाद की परंपरा जिन लोगों ने डाली है, आखिर उनके लिए क्यों न बोला जाए।